अब अमेरिका जो है ये ससुराल कुछ कुछ बोलता है, देखिए ध्यान से, ये बुढ़ऊ को कुछ हो गया है, ये बुढ़ऊ सनक गया है। इस बुढ़ऊ का कहना है कि 31 अगस्त के बाद हम बम्बार्डमेंट भी रोक देंगे। अब भैया बम्बार्डमेंट रोक देगा तो अफगानिस्तान सरकार फंस जाएगी। अमेरिका को लोग कहते हैं कि हार के चला गया। अरे यार एक बात बताओ, मुकेश अंबानी का 10 करोड़ रुपया कहीं गिर जाए तो या पॉकेट मार लीजिए तो कहेंगे हाँ हाँ मुकेश अंबानी गरीब हो जाए, उसके लिए क्या मायने रखता है कुछ। अब वो तालिबान वालों ने क्या किया, भारत ने MI-24 हेलीकॉप्टर दिया था, ये अटैक हेलीकॉप्टर है। अब अफगानिस्तान की एयरफोर्स इसको अपने बेस पर खड़ा की हुई थी और कहीं गई थी, इसी बीच तालिबान वाले आ गए सब और इस एयरबेस पर कब्जा कर लिया सर। इसमें एक अटैक हेलीकॉप्टर भी चला गया, हालांकि देखिएगा ये सर्विसिंग में था, इसका रोटर ब्लेड नहीं है। अब इन लोग का क्या मतलब है, क्या पता इसे ससुराल में गमछा बांध के उड़ा दे सभी सब अलग कैटेगरी के वैज्ञानिक, हालांकि उड़ा नहीं पाएगा सर, गिरा देगा सर, तब चचा उड़ा दीजिएगा, कोई ठीक नहीं है इन सब। हमारे पास ड्रॉपिंग बॉम्बिंग के लिए जगुआर है। अब जगुआर पुराना हो गया, भारत सरकार को यूएई से बात करना चाहिए कि यूएई के पास 27 जगुआर हैं जो उसे रिटायर कर चुका है, यूएई से वो जहाज ले ले और वो जहाज क्या करे अफगानिस्तान को गिफ्ट कर दे, और कुछ गिफ्ट करके उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं, भारत के पायलट ही इसमें बैठेंगे। अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, इसमें 2 पायलट बैठते हैं, अगवा बैठ जाएगा भारत का पायलट, अब पिछवा बैठता है बम गिराने वाला तो वहां अफगानिस्तान वाले को बैठा देना है, कुछ करना नहीं होगा, कह देना देख ललका बटन ये टिपते रहना, ठीक है। अब आगे भारत वाला चलाएगा, कहेगा टिप दे, हे चाचा चिप टिपिए, अफगानिस्तान वाला भाई टिपिए, दाएं दाएं गिराते रहो वहां पे। अफगानिस्तान से लड़ रहे तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है, वो कोई सा भी कोई जहाज उड़ा दीजिए वो नहीं मार के नहीं गिरा पाएंगे सब, वो सब अफगानिस्तान वाले मतलब तालिबान वाले।